यार मेरा तो मन करता है कोई लड़की मेरा मसाज कर दे। कि वो कौन सा मनुष्य दिन था जिसे मैंने तुम दोनों को इस कंपनी में नौकरी पर रखा था? सर 24 सितंबर आपका जन्मदिन था। शट अप। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। दोस्तों बड़ी ही प्यारी फिल्म बनाई गई है थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क। एक्टर हितेन जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के युवा नेता अंशुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादातर शूटिंग जो है वो इटावा में हुई है। आइए जानते हैं एक्टर हितेन जी, बड़ी खूबसूरत मूवी बनाई है आपने, क्या कहें किस तरीके की फिल्म? बहुत ही लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, जो जनरल रिएक्शन अभी मिला है तो लोगों को म्यूज़िक भी बहुत पसंद आया है। और सबसे बड़ी बात है कि नई लोकेशन पर शूट हुई है। आमतौर पर हम देखते हैं कि वही लोकेशंस रिपीट होती हैं, खास करके इटावा में जाके शूट की है और वहाँ का जो सपोर्ट मिला है वो आप देख ही रहे हैं। और वहाँ की जो लोकेशन है और वहाँ की जो खूबसूरती है, लोगों को मैंने जैसे पहले भी कहा कि लोगों को सिर्फ यही लगता है कि भेड़ और चंबल है वहाँ पर, लेकिन वो मत देखिए, देखिए क्या है हमने इस फिल्म के ज़रिए दिखाया है। कहानी वहाँ की है, कैसे हम वहाँ पहुँचते हैं अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप देखेंगे नहीं, आप देखिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका और इनकी पूरी पार्टी का और सारे लोगों का वहाँ पे, जिन लोगों ने पूरा पूरा सपोर्ट दिया। यादव जी आपसे जानना चाहेंगे, सीएम साहब ने ट्रेलर को लॉन्च किया था, सबको पता है इटावा को पहले अलग तरीके से जाना जाता था, पर्यटन के तौर पर किस तरीके के? मैं सबसे पहले तो विवेक जी को और उनकी टीम के कास हितेन जी राजपाल जी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो इटावा को एक नई पहचान देने की जो कोशिश की है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इटावा को एक अलग नज़रिए से पहले देखा जाता रहा है और आज की तारीख में जो नई पहचान आप लोगों ने दे दी है, खासतौर पर इस फिल्म के माध्यम से थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क से, आज इटावा को नई पहचान मिल गई और इटावा में और नई पिक्चरों का शूटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पूरी कास्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी फिल्म जो मैंने आज देखी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से अपनी मूवी और हम लोग का जो भी सपोर्ट चाहिए हो, पार्टी का चाहिए हो, हर तरह से समाजवादी पार्टी और हमारी सरकार फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, उसके माध्यम से हम लोग आपको बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग आइए हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में शूटिंग करिए और हर तरह से सुविधाएं देने के लिए हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेन जी राजपाल जी इस मूवी में हैं तो कहीं ना कहीं कॉमेडी तो मिलेगी, लेकिन आप किस तरीके किरदार निभा रहे हैं? मैं भी मतलब देखिए क्या होता है कि गेहूं के साथ गुड़ भी मिल जाता है, वो तो आपने सुना होगा। राजपाल जी हैं जो बहुत ही बदमाश हैं, झुमरू है, मेरा कैरेक्टर है झुमरू, वो बेचारा गरीब थोड़ा सा है मगर उसके साथ वो भी बदमाश हो जाता है। और ये दो ऐसे नकारा और बदमाश लड़कों की कहानी है जो हालात उन्हें ले आती है एक ऐसी जगह जहाँ फिर वो शादी करके बस ही जाते हैं। तो ये है सर, आप ही की समाजवादी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, पहली फिल्म इटावा में बनी है, लायन सफारी है, पर्यटन को काफ़ी हद तक इस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जगह पर्यटन के तौर पे देखी जा सकती है, तो और ऐसी क्या सुविधाएं जो आने वाले समय में आप और आपकी पार्टी आपकी सरकार? देखिए इटावा में पहले भी मूवी शूट होती रही हैं, लेकिन जैसे आप पता है सनी देओल जी की डकैत काफ़ी पहले शूट हुई थी, लेकिन उसके माध्यम इटावा एक नई पहचान नहीं मिली। लेकिन जब से सरकार बनी है इटावा में लॉइन सफारी से लेके तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं, वाटर स्पोर्ट्स की भी एक प्रोजेक्ट इटावा के लिए तैयारी चल रही है, ऐसी योजनाएं पर सरकार के द्वारा लाई जा रही है जिससे कि इटावा को पर्यटक के रूप में अच्छी पहचान मिल सके। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि विवेक जी पहले खिलाड़ी के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, फिल्म बनाने की कैसे सोची? देखिए ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सचिन जी का जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट ऐसी सोची कि जो यूपी में होगी और फिर उसके बाद में लकीली, और बोलते हैं ना कि अगर होना होता अच्छा तो भरत जी मिले, भरत जी के बहुत अच्छे मित्र हैं विवेक जी, तो भरत जी के थ्रू हम विवेक जी से मिले और विवेक जी ने तो मतलब ऐसे दोनों हाथ ऐसे खोल दिए, बोले आइए हमारे इटावा में और देखिए। तो पहले तो वाकई में ऐसा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब सुना इटावा तो मैंने बोला यार इटावा में कैसे शूट करेंगे आप, मतलब क्या है, आप चलिए तो सही। अब जब हमने देखा तो हमने कहा कि भैया एक फिल्म से तो नहीं रुकेगा यहाँ मामला, हम तो यहाँ आएंगे और फिल्म शूट करेंगे और भी बहुत सारी जगह है दिखाने के लिए, अभी तो हमने बहुत लिमिटेड दिखाया है, अब तो क्या दिखाएंगे देखिए मौका तो मिले। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2017 में इलेक्शन भी है, फिल्म आपने देख भी ली है, कल रिलीज हो रही है, तो इस वजह से भारत की और प्रदेश की जनता को
और फिल्म इंडस्ट्री को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस फिल्म इंडस्ट्री को यही संदेश देता हूँ, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं हर तरह से, तो आप लोग आइए उत्तर प्रदेश में, फिल्म को शूट करिए और उत्तर प्रदेश की चीज़ें, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की सोच, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को आप दुनिया में दिखाइए। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो कि हर तरह की संभावनाएं यहाँ पे हैं, उसको हम लोग निखार सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आने वाले भविष्य में बहुत तरह की फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। इसलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री पर इतना अनुरोध है, हर तरह की सुविधाएं हम लोग आपको दे रहे हैं, आप लोग आएँ शूट करें और उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के सामने रखें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता अंशुल जी और साथ ही में एक्टर हितेन जी, जिनका मानना है कि समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी फिल्म लोग फिल्म बनाना चाहें सरकार उनको पूरी मदद करेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।